अब मान लीजिए आप पहले पैरामीटर में आते हैं जहां पे आपको फाइनेंस में करियर बनाना है और कोई लॉन्ग टर्म कोर्स करने से पहले आप NCFM या NISM करने की कोशिश कर रहे हो, तो कौन से कोर्सेज करने होते हैं वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और साथ ही अगर आप दूसरे पैरामीटर में आते हो तो कौन से कोर्सेज करने हैं वो भी बताऊंगा। अब आपके दिमाग में ऑब्वियसली ये सवाल आया होगा कि मैं इनमें से कौन सी एग्जाम दूं, NISM और NCFM में फर्क कितना है और ये आपको जॉब मिलने हेल्प कर सकते हैं, यानी जॉब मार्केट में इन कोर्सेज की कितनी वैल्यू है। तो भैया NISM वर्सेस NCFM इसमें फर्क क्या है, ये कोर्सेज करना वर्थ इट है या नहीं, ये जानेंगे आज के वीडियो में। अब बहुत से लोग DM आए हैं पूछ करके NCFM कोर्सेज एग्जैक्टली क्या होते हैं, इस पर एक वीडियो बना दो, नई चीज आई है मार्केट में और हमको जानना है कि ये करना सही है या नहीं। अब इस वीडियो में हम एक कंपैरिजन भी करेंगे कि NCFM कोर्सेज क्या होते हैं और उनका NISM के साथ कितना फर्क होता है, एंड मोर इंपोर्टेंटली अगर आपको एक अच्छी जॉब चाहिए तो ये कोर्सेज करना सेंस करता है या नहीं। अब एक और क्लैरिफिकेशन दे देता हूं, NISM पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना दिया था, इस वीडियो में मैं NISM को इतना इन डेप्थ कवर नहीं करूंगा। अगर आप प्योरली NISM के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो के बाद जाकर वो वाला वीडियो भी देख लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया। इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव है NCFM पर फोकस करना, उसकी डिफरेंसेस कंपेयर करना NISM के साथ और आपको ये बताना कि इन कोर्सेज में आपका कोई फायदा है या नहीं। इनको करने के बाद आपको नौकरी मिलेगी या नहीं, इस पर एक रियलिटी चेक भी दूंगा जो और कोई नहीं बता रहा, तो वीडियो एंड तक देखना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं समझ करके NCFM और NISM एग्जैक्टली क्या होता है। अब NCFM जो है वो है NSE Academy of Certification in Financial Markets. ये एक सीरीज है ऑफ शॉर्ट टर्म कोर्सेज, यहाँ पे 20 से भी ज्यादा कोर्सेज हैं जिसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने इंट्रोड्यूस किया है इंडियन स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। अब NISM जो है वो ऐसा ही एक सिमिलर इनिशिएटिव है, लेकिन इसको शुरू किया है सेबी ने, यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये भी कुछ कोर्सेज की सीरीज है जहां पे आप इन सारे सर्टिफिकेशंस को परस्यू कर सकते हो अपने CV को स्ट्रांग करने या फिर फाइनेंशियल मार्केट से रेलेवेंट कुछ प्रिंसिपल्स और स्किल्स सीखने। अब इससे पहले हम समझे कि NCFM में कौन से कोर्सेज होते हैं, आपने कौन से करने चाहिए, पहले जान लीजिए कि ये किसके तरफ टारगेटेड है। अब मैं कुछ सिचुएशंस आपको डिस्क्राइब करूंगा और अगर आप उन सिचुएशंस में आते हो तब जाकर NCFM या NISM करना सेंस करता है। अब देखो, आप जानते हो मैं एक CFA चार्टर होल्डर हूं, मुझे हर रोज काउंटलेस DMs आते हैं पूछ करके भैया CFA वर्थ इट है या नहीं, या लिटरली लोग मुझसे पूछते हैं कि CFA करूं या नहीं। अब देखो, स्कोप, पोटेंशियल, जॉब अपॉर्चुनिटीज, हाई सैलरी, इन सारे फैक्टर्स को एक मिनट साइड में रखते हैं और एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर करते हैं, क्या आपको फाइनेंशियल मार्केट्स में इंटरेस्ट है। अगर आप CA करना चाहते हो तो क्या आपको अकाउंट्स में इंटरेस्ट है। अगर आपके सामने एक बैलेंस शीट रख दी जाए तो उसे देखकर क्या आपको घिन आती है या उसको पढ़ने का मन करता है और ये देखने का मन करता है कि कंपनी ने इस बैलेंस शीट में कौन से राज छुपाए हैं। जो मेन पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि CA और CFA जैसे लॉन्ग टर्म कोर्सेज के लिए NCFM और NISM एक ब्रिज की तरह काम करते हैं। ये आपको बताते हैं कि क्या आपको सच में इन फील्ड्स में इंटरेस्ट है या नहीं। इन फील्ड्स में जब आप जाते हो तो आप किस चीज की पढ़ाई करोगे, कौन से सारे प्रिंसिपल सीखोगे, किस फील्ड में काम करोगे, इसकी आपको एक अच्छी आइडिया आ जाती है ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज के साथ। अब इसका यह मतलब नहीं कि अगर आप NCFM या NISM कर दोगे तो आपके CFA या CA क्रैक करने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, ऑब्वियसली नॉट। इससे आपको सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट मिलेगा कि उन सारे लॉन्ग टर्म कोर्सेज में क्या सिखाया जाने वाला है, आपको यह समझ आएगा कि क्या आप उस लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए सच में तैयार हो या नहीं। इसके साथ एक और फायदा यह होता है कि ये सारे जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं ये आपके CV के लिए एक बहुत पॉजिटिव एडिशन होते हैं, यानी कल को जब आप जॉब मार्केट में उतरते हो तब आपको इन शॉर्ट टर्म कोर्सेज का भी बहुत फायदा होता है। एनीवे, मोर ऑन दिस लेटर। तो ये हुआ पहला पैरामीटर। अगर आप ऐसे कोई लॉन्ग टर्म कोर्सेज जैसे CA, CFA, CS इनको कंसिडर कर रहे हो तो आप इनके रिलेटेड जो NCFM और NISM कोर्सेज होते हैं इनको पढ़ सकते हो। क्यों? ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि आपको इंटरेस्ट कितना है और क्या आप इस फील्ड में सच में एक करियर बनाना चाहते हो। अब दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि आपको स्कूल में टैक्सेशन, अकाउंट्स, इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स जैसी चीजें नहीं सिखाई जाती। और इंस्टाग्राम पे 60 से 90 सेकंड की रील देखकर आप कितना ही सीख सकते हो। तो अगर आपको ये सारे प्रिंसिपल्स एक स्ट्रक्चर्ड और फॉर्मल तरीके से सीखने हैं और अपने आप को फाइनेंशियली एम्पावर करना है और ज्यादा लिटरेट बनाना है तो आप ये कोर्सेज कर सकते हो। यानी कल को जब आप किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट के साथ इंटरैक्ट करते हो तब आपको पता होगा कि आप किस चीज के लिए साइन अप कर रहे हो। अब मान लीजिए आप पहले पैरामीटर में आते हैं जहां पे आपको फाइनेंस में करियर बनाना है और कोई लॉन्ग टर्म कोर्स करने से पहले आप NCFM या NISM करने की कोशिश कर रहे हो, तो कौन से
कोर्सेज करने होते हैं वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और साथ ही अगर आप दूसरे पैरामीटर में आते हो तो कौन से कोर्सेज करने हैं वो भी बताऊंगा। अब आप सभी ने मुझे कमेंट करके बताया था कि NCFM पर वीडियो बनाना, तो लो मैंने बना दी। अगला वीडियो किस चीज पर देखना पसंद करोगे कमेंट करके बताओ, एंड आई विल मेक इट हैपन। ओके, अब आप समझ गए कि किसने ये कोर्सेज करने चाहिए। अब चलिए डिस्कस करते हैं NCFM एग्जैक्टली होता क्या है। NSE अकेडमी ऑफ सर्टिफिकेशन इन फाइनेंशियल मार्केट्स, NCFM एक इनिशिएटिव है जो भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने शुरू किया है। यहां पर आपको चार ब्रॉड लेवल्स के थ्रू सर्टिफिकेशंस ऑफर करते हैं, जो है बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस्ड और NCFM प्रो। अब मान लीजिए आप फाइनेंशियल मार्केट्स या फिर इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, ट्रेडिंग या फिर बेसिकली ओवरऑल सिक्योरिटीज मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो, तो आपके लिए यहाँ पर मल्टीपल कोर्सेज है जिनकी प्राइस सिर्फ 2,000 से 2,500 रुपए के बीच है। यहाँ पर आपको 100 मार्क्स की छोटी सी 2 घंटे की एग्जाम देनी होती है, जिसके पासिंग मार्क्स 60% होते हैं, और अगर आप ये एग्जाम पास करते हो तो आपको ये सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसकी वैलिडिटी होती है 5 साल। अब NCFM के जो 4 लेवल्स मैंने आपको बताए, ये ऑर्डर में नहीं होते, आप इनमें से कोई भी एग्जाम अपने मर्जी के हिसाब से चूज करके दे सकते हो। अब आपके दिमाग में ऑब्वियसली ये सवाल आया होगा कि मैं इनमें से कौन सी एग्जाम दूं, तो चलो 2 केसेस डिस्कस करते हैं। अगर आप केस 1 में आते हो जहां पर आपको फाइनेंस में करियर बनाना है, तो आप इन एग्जाम्स को कंसीडर कर सकते हो। NCFM के एडवांस्ड मॉड्यूल से आप फाइनेंशियल मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट, डेरिवेटिव्स और म्यूचुअल फंड्स की एग्जाम दे सकते हो, और उसके साथ NCFM के इंटरमीडिएट मॉड्यूल से आप फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, वेल्थ मैनेजमेंट या फिर प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल दे सकते हो। अब मैंने आपको टोटल 8 सर्टिफिकेशन बताए, आपको ये 8 के 8 भी नहीं करने हैं, आपको डिपेंडिंग ऑन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट इनमें से 2 से 4 सर्टिफिकेशंस करने हैं, दैट इज मोर देन इनफ। एंड नाउ कम्स केस 2। अगर आप ऐसे एक व्यक्ति है जिनको फाइनेंस के सिर्फ बेसिक सीखने हैं, तो आप फाउंडेशन मॉड्यूल से अपने मर्जी के हिसाब से कोई भी कोर्स कर सकते हैं। कीप इन माइंड जो इंटरमीडिएट और एडवांस मॉड्यूल है वहां पर थोड़ी नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 की, और यहाँ पे जो सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी वो और ज्यादा फॉर्मल और ज्यादा टेक्निकल होंगी, इसीलिए प्रोफेशनल स्पेस में इनकी वैल्यू ज्यादा होती है। ऑन दी अदर हैंड जो फाउंडेशन मॉड्यूल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा बिगिनर लेवल पे होते हैं, तो अगर आप एक प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव से इन कोर्सेज को कर रहे हो तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम द फाउंडेशन मॉड्यूल्स। फाउंडेशन मॉड्यूल सिर्फ तब करने हैं जब आपको फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है और एक बहुत ही ज्यादा बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अब NCFM का एक नया मॉड्यूल है जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसका नाम है NCFM प्रो। ये आपको स्पेशलाइज्ड एरियाज में नॉलेज इंपार्ट करता है, जैसे साइबर सिक्योरिटी फॉर फाइनेंस या फिर एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस मैट्रिक्स। यानी जब हम कंपनी की एक एनालिसिस करते हैं तब इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स के साथ ही हम ये भी देखते हैं कि कंपनी एनवायरमेंट का ख्याल रखती है, यानी कंपनी के हायरिंग पॉलिसीज कैसे हैं, कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो सही से कंपनी चला रही है यानी। इसी के साथ डेटा एनालिटिक्स, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट और ब्लॉकचेन के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पर भी कोर्सेस है NCFM के प्रो सीरीज में। ऑनेस्टली प्रो सीरीज मुझे तो काफी अच्छी लगी, क्योंकि यहां पर जो सारे ट्रेंडिंग और हाई डिमांड फील्ड्स है इन पर मॉड्यूल्स लाए गए हैं। अब इससे पहले कि हम कवर करें इन कोर्सेज का आपके जॉब प्रोस्पेक्ट्स पर कितना असर पड़ता है, चलो फटाफट NISM को भी कवर कर लेते हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, NISM जो है वो भी NCFM की तरह बहुत ही ज्यादा सिमिलर है, जस्ट दैट यहाँ पे फीस थोड़ी कम होती है, आपको 1,500 से 2,000 के बीच में हर एक कोर्स मिल जाता है। यहाँ पर भी ज्यादातर एग्जाम्स के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, 60% का पास परसेंटेज होता है। ये सर्टिफिकेशंस भी 5 साल के वैलिडिटी के साथ आते हैं, और यहाँ पर भी कुछ ऐसे की सब्जेक्ट्स होते हैं जो अगर आपको अपने करियर को एनहांस करने के लिए करने हैं तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको जॉब के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो सिर्फ 4 NISM के कोर्सेज है जिनका आपको फायदा हो सकता है, वो है नंबर 1 म्यूचुअल फंड फाउंडेशन, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, रिसर्च एनालिस्ट और इक्विटी डेरिवेटिव्स। इसके अलावा ऑनेस्टली बाकी जो सारे कोर्सेज है NISM के वो आप प्योरली अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे कर सकते हो, लेकिन प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव से ये 4 मेन है। अब चलिए मेन पॉइंट डिस्कस करते हैं, NISM और NCFM में फर्क कितना है और ये आपको जॉब मिलने हेल्प कर सकते हैं। यानी NCFM और NISM में ऑनेस्टली ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसका एग्जाम फॉर्मेट सिमिलर है, इसकी वैल्यू भी सिमिलर है, फर्क सिर्फ इतना है कि NCFM NISM से थोड़ा ज्यादा नया है। दोनों कोर्सेज में जो मटेरियल आपको सिखाया जा रहा है वो भी काफी सिमिलर है, तो अगर आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट करना और आप कंफ्यूज्ड हो इन दोनों में से कौन सा करूं, तो यार गो विद व्हिचएवर यू लाइक। अब एक और बात आपने नोटिस की होगी कि एंट्री लेवल पोजीशंस में या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज जॉब्स में इंटर्नशिप्स के लिए बहुत सी कंपनीज बोलती हैं कि हमको NISM की ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है, और इसका ये मतलब नहीं कि NISM बेटर है, इसका सिर्फ ये कारण है कि NCFM रिलेटिवली नया है। अब मान लो आप NCFM का एक कोर्स कर देते हो उसी सिमिलर फील्ड में, तो एक कंपनी आपको भगा नहीं देगी। जब एक कंपनी आपको कहती है कि हमको NISM या NCFM की जरूरत है, तो उसका सिर्फ ये मतलब है कंपनी देखना चाहती है कि आप इस फील्ड में सच में इंटरेस्टेड हो या नहीं, और अगर इंटरेस्टेड हो तो आप अपना इंटरेस्ट दिखाने कौन सी ऐसी चीजें कर चुके हो। विच ब्रिंग्स मी टू द मेन पॉइंट, जॉब मार्केट में इन कोर्सेज की कितनी वैल्यू है। वेल टू टेल यू द ट्रूथ, इन कोर्सेज के दम पे आपको जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी आपने कोर्सेज 100% करने चाहिए, क्योंकि
ये कोर्सेज आपको बाकी कैंडिडेट से डिफरेंशिएट करेंगे। ये कोर्सेज एम्प्लॉयर को दिखाते हैं कि भैया ये बंदा इस फील्ड में सच में इंटरेस्टेड है, ये सीरियस है। अगर आप किसी भी ब्रोकरेज फर्म के लिए या फिर म्यूचुअल फंड के लिए एक एंट्री लेवल एनालिस्ट पोजीशन के लिए इंटरव्यू भी करते हो, वो आपको ओपनली बता देते हैं कि हमको NISM की रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेशन मैंडेटरी है। NISM और NCFM सिर्फ एक डिफरेंशिएटर का काम करते हैं, ये आपको एक फुट इन द डोर देंगे, शॉर्ट लिस्ट दिला सकते हैं या फिर एक इंटरव्यू दिला सकते हैं, लेकिन ये जॉब गारंटी नहीं करते। लेकिन आज के ब्रूटल जॉब मार्केट में आप जितने ज्यादा सर्टिफिकेशन, जितने ज्यादा स्किल्स कलेक्ट करके एक एम्प्लॉयर को दिखा सकते हो, उतने ही बेहतर आपके चांसेस हो जाते हैं। एंड दैट्स इट, वीडियो वैल्यूएबल लगा तो कमेंट करके मुझे बताओ अगला क्या देखना पसंद करोगे, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।